सिज मेट्रो स्टेशन में यहाँ पास में कस्टमर केयर के लेटर्स, एक बार एंट्री एग्जिट पॉइंट, लाइव स्टेटस इंडिकेटर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इंडिया ट्रैवल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेट्रो 3 यानी फुल्ली अंडरग्राउंड एक्वा 9 ये ओपन हो चुकी है और आज मैं आया हूँ सिर्फ मेट्रो स्टेशन पे। तो चलिए चलकर देखते हैं कि सिर्फ मेट्रो स्टेशन कैसा है और कैसी होती है अपनी एक्वा लाइन। चलिए मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंट्री एग्जिट को मैंने कैनोपी किया सिर्फ मेट्रो स्टेशन। आपको बता दूँ यहाँ पे पूरे मेट्रो 3 के 4 एंट्री एग्जिट पॉइंट है। ये सीट्स का ये A1 एंट्री एग्जिट पॉइंट, ये देखिए। तो दोस्तों ये A1 एंट्री एग्जिट पॉइंट है सीट मेट्रो स्टेशन का। ये है लिफ्ट से जाने का रास्ता और ये सामने ये एस्केलेटर और स्टेयरकेस। सीट्स का ये एस्केलेटर्स पैसेंजर मूवमेंट को डिटेक्ट करके ऑपरेट होते हैं। और सीप स्टेशन का ये A1 एंट्री एग्जिट पॉइंट सीप्स के गेट नंबर 1 के एकदम पास में है। सिमिलर एक मेन स्टेशन वहाँ पे जो एंसिलरी बिल्डिंग दिख रही है आपको, वहाँ पे भी मेन एंट्रेंस है और 2 आगे भी है। टोटल 4 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है। तो दोस्तों हम चलेंगे वहाँ से मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट से चलेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ से। सब एंट्रीज मेन है लेकिन वो बिल्डिंग एक दिखती है वहाँ पे। चलते हैं वहाँ से एंट्री करेंगे भारत रत्न बिल्डिंग के सामने। ये शिप्स का गेट नंबर 1। आपको मैंने अभी वो एंट्री एग्जिट पॉइंट दिखाया है, वो कैनोपी, ये सीप गेट नंबर 1 भारत रत्न के सामने। और एक एंट्री एग्जिट पॉइंट इधर है और एक आगे, और एक मेन एंट्री पॉइंट यहाँ पर है। चलिए चलते हैं यहाँ से। और ये है दोस्तों सीप MRDC रोड। शिप्स का गेट नंबर A2 है ये। यहाँ पे लिफ्ट, रैंप, ये स्टेयरकेस और ये अप एंड डाउन के लिए 2 एस्केलेटर। दोस्तों आपको बता दूं ये सिर्फ मेट्रो स्टेशन, ये फुली अंडरग्राउंड है। अभी हम जा रहे हैं एस्केलेटर से नीचे, 10 मीटर लॉन्ग ये लंबाई एस्केलेटर है। ऐसा एक और आएगा तब जाके आप कॉन्कोर्स एरिया में पहुंचोगे, उसके बाद टिकट लेने के बाद आप चलोगे प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं कॉन्कोर्स लेवल पर, पहले टिकटिंग एरिया पे, उसके बाद टिकट लेने के बाद आपको कॉन्कोर्स एरिया को एक्सेस मिलेगा। B1 एग्जिट और B2 और सामने टिकटिंग एरिया। सुरक्षा के पूरे प्रबंध हैं, CCTV कैमरा, स्मोक डिटेक्टर और
भरपूर वेंटिलेशन फैसिलिटी, फुल्ली एसी और लग्जरियस फीलिंग दे रहा है। ये वॉल देखिए आप, ये गार्डिंग टाइल्स दिव्यांगजनों के लिए, और सामने टिकट कार्यालय और इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। टिकट कॉस्ट एक स्टेशन का 1 10 रुपया, 2 का 20, 3 4 का 30 और 40 और 50 ऑनवर्ड्स। और कोलंबो तक ओपन हो जाने के बाद उसका मैक्सिमम टिकट फेयर होगा 70 रुपीज़। यहाँ पे टिकट वेंडिंग मशीन भी, इस तरफ 2 वेंडिंग मशीन है यहाँ पर, 1 वेंडिंग मशीन इस तरफ। ये मेटल डिटेक्टर स्कैनर, लगेज स्कैनर। यहाँ से गुजरने के बाद आपको AFC काउंटर पे जाएंगे, यहाँ पे टिकट स्कैन करके आप कंको जरिए एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में एस्केलेटर या स्टेयर केस से प्लेटफॉर्म जहाँ पे खड़ी होगी अपनी एक्वालाइन शिप स्टेशन पे। टिकट वेंडिंग मशीन, बाय टिकट, कलेक्ट टिकट, इनसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लेस योर स्मार्ट कार्ड, इनसे बैंक नोट्स, हेल्प के लिए। DKC से लेके RA तक जो फुल वीडियो है, इसमें मैंने इसका कैसे ऑपरेट किया जाता है वो डाला है। फिलहाल तो मैं मैनुअल टिकट निकालूंगा मैं। चलिए, थैंक यू सर। यस, इज मेट्रो 3 का वास्ट मॉडर्न लुकिंग वेल लाइटेड और शाइनी कॉन्कोर्स एरिया। एस्केलेटर्स ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, और स्टेयर केस। MRTC सेंट्रल पे एग्जिट होता है ये। फायर हार्डनिंग सिस्टम, मेन टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, एक बार एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, लाइव स्टेटस इंडिकेटर, टॉयलेट्स, और दिव्यांगजनों के लिए भी एकदम फैसिलिटी यहाँ पे। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से। सामने भी एक टिकट काउंटर है इस पॉइंट में, और एक दोनों एंड पे है। यहाँ पे आप किसी भी एंड से एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे 4 एक्सेस पॉइंट है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्लेटफॉर्म लेवल पर। दोस्तों ये अपना सीट मेट्रो स्टेशन, शानदार, ब्यूटीफुल और बहुत ही एलिगेंट लोकेशन का। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी करिए। तो हम आ गए यहाँ पे। ये PhD डोर स्क्रीन, ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म दोनों तरफ और यहाँ पे भी, और साथ में PhD डोर स्क्रीन के सामने ये आपको दिखता है पूरा रूट मैप। तो दोस्तों यहाँ से आ रहे JVL की बात जाएगी, और यहाँ से DKC के लिए प्रवेश कोटक बांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, अराइविंग इन 2 मिनट्स, 8 कोचेस है इसमें। अभी हम यहाँ से आए, आप आगे से भी आ सकते हो। दोस्तों ये पूरी तरह से मॉडर्न है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। सिर्फ मेट्रो स्टेशन में ये अंडरग्राउंड हम लोग लगभग 30 से 35 मीटर नीचे हम लोग यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे भी इंटरनेट आ रहा है, मोबाइल नेटवर्क आ रहा है। We'll be right back.
दोस्तों ये मेट्रो जाने वाली है RJBLR, लेकिन हम जा रहे हैं इस तरफ, हमारी ट्रेन आएगी इस तरफ से। कोटक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर। तो दोस्तों ये एक्वा लाइन सिप्स में मैं पकड़ा हूँ, भी एक्वा लाइन का मैंने पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है, BKC से लेके आ रहे तक का पूरी जर्नी आप जाके उसमें देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल है। फिलहाल तो मैं आपको सिप्स में मेट्रो सिटी का व्यू दिखा रहा हूँ आपको, हैंडल बार, पोल, PHD डोर स्क्रीन, वाइड विंडो, आप देखते हैं व्हील चेयर के लिए स्पेस, ये इमरजेंसी के लिए इंटरकॉम, लाइव इंडिकेटर विद डेट एंड टाइम। तो दोस्तों अगला स्टेशन है MIDC। चलिए आपको आगे से जरा दिखाता हूँ और कोच का व्यू। तो दोस्तों MIDC अंधेरी स्टेशन आ गया है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये शिप से लेके मेट्रो ट्रेन का ये अपडेट अच्छा लगा होगा, शिप से मेट्रो स्टेशन का व्यू आपको कैसा लगा, पूरा प्लेटफॉर्म, पंखों के एरिया, ट्रेन का राइड का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को एंड करने से पहले आपको दिखाता हूँ MIDC मेट्रो 3 स्टेशन से ESIC बिल्डिंग के पास एग्जिट होने का सीन। दोस्तों अगर आप MIDC एक्वालाइन स्टेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। बॉक्स ए ये रोड नंबर 16 पे जाता है और ये बी ये ESI बिल्डिंग के पास में है और ये पूरा MIDC का कौन-कौन सा एरिया। तो दोस्तों ये था MIDC में मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मैं सिप से लेकर पूरा MIDC का जर्नी था ये आपको दिखा रहा हूँ। ये MIDC का टिकट काउंटर और ये एग्जिट पॉइंट है, ये आकृति सेंटर के पास में ये एग्जिट होगा, ये ESI बिल्डिंग के पास जिसे B1 नाम दिया गया है।
इस तरफ आप देख रहे हैं ESRC बिल्डिंग।